खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण विद्या रूपेण सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः आप दामापमर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमामहं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थदंडोदर तत्र विजयोपेति दिवानीतिमर्ति मर्म मृत्युंजय महादेव त्रयी मम शरणागतं जन्म मृत्युचरावधि पीडित कर्म बंधने नीलांजन समावासं रविपुत्रं यमगजं छायामार्दंड संभूतं तम नमामि सर्वशरम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वाधि साधिके शरणम मुखे गौरी नारायणी नमस्तुते ओम रिम रिम भगवती महेश्वरी प्रसन्न पद्म अन्न पूर्ण स्वाहा बोल श्री गणपति गजानन महाराज गणपति अप्पा बोलो सब सब की कुल देवी मात की जय। सबका मैं शुक्रिया करता हूँ कि आज वो लोग मेरे साथ में है और इतनी बड़ी फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ। और 99% मूवी जितनी भी होती है उसका बिगिनिंग में जब मैं जिसके साथ रहा हूँ वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है और भगवान करे कि ये भी फिल्म साबित हो। और कारगिल से कन्याकुमारी एक लेडीज सब्जेक्ट पे जब सर ने मेरे को बोला तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने बोला मैं 100% आपके इस सोशल एनजीओ और अच्छे सोच को उसके लिए मैं 100% आपके साथ हूँ। और ऑल द बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू मनोज भाई एंड एवरीबॉडी थैंक यू। जो भी सर नीड चाहेंगे सर जो योगेश भाई के साथ में काफी वर्षों से लगा हूँ और योगेश भाई ये फिल्म में उनके एक भी होल्डिंग नहीं लूंगा जानबूझ के, नहीं तो लोग बोलते होल्डिंग के लिए। योगेश भाई मेरे बहुत ही इंस्पिरेशन, मेरी पहली फिल्म में जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब सामने से उन्होंने बम्बई में 20 होल्डिंग दिए थे, तो इस बार लूंगा तो पेड़ लूंगा इनसे। लेकिन मैं पैसा नहीं देगा, कारगिल में दे देगा। पहले तो कारगिल ही आती है कि जो देश के लिए सच्चाई और अच्छाई थी। और कन्याकुमारी तो ऐसे भी मेरे लिए डायलॉग बहुत अच्छा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, एक हम लोग बचपन में पढ़ते तभी भी एक किताब में डायलॉग आता था, तो सर ने नया निकाला कारगिल से कन्याकुमारी। तो देशभक्ति प्लस जो सब्जेक्ट है, आई थिंक यहाँ जहाँ बैठे हैं सब वो सब्जेक्ट के लिए आ जाए हैं। मनोज सर के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की है और जब उन्होंने ये सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे बहुत प्यारा लगा। डिफरेंट सब्जेक्ट है, वुमन एम्पावर पे ये सब्जेक्ट है और इतना अच्छा रोल भी है, साथ में सभी आर्टिस्ट अजीत भाई है, बाकी सब आर्टिस्ट है और सब्जेक्ट इसका बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से मैं फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखिए कारगिल से कन्याकुमारी ये नाम पढ़ते ही ऐसा लगता है कि ये कुछ देशभक्ति या वॉर को लग के फिल्म है या किसी की शहीदी या किसी के बलिदान के बारे में ये बात होगी। जब मेरे को कल परसों को पता चला कि ये वुमन एम्पावरमेंट के बारे में फिल्माई गई फिल्म है, आई वॉज सो हैप्पी। मैं भी आज दो डॉटर का बाप हूँ, पढ़ाओ बचाओ और साथ में अगर लड़ना सिखाओ, तो इसके जैसा उचित थॉट आज तक मैंने देखा नहीं। इसके लिए मैं मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और मेरे तन से मन से और धन से जब से मैं उनको जानता हूँ मैं साथ रहा हूँ और ये फिल्म में भी रहूँगा। जानता हूँ कि आपके माध्यम को काफ़ी दर्शक लाखों लोग देखते हैं, तो आज मैं कुछ भी कहूँगा तो कल मुझे जवाबदेही है, तो ये सोच समझ कर ही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फिल्म में एक गाना पूरा देशभक्ति पे डिफरेंट टोन का रखा है, जिसमें एक छोटी सी बात हमने वो ली है कि बुरी नज़र से हिंदुस्तान को बुरी नज़र से देखने वालों सुधर जाओ वरना आँख फोड़ दोगे, भारत के टुकड़े करने वालों सुधर जाओ वरना अंदर आके घर में आके तोड़ देंगे,
ऐसे कुछ थीम का भारत के ऊपर गाना है, एक यूथ के ऊपर है क्योंकि फिल्म यूथ बेस ज्यादा है। ये जो सोशल मीडिया से कुछ अनजान लोग दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद जो एक ट्रैप शुरू होता है उसमें एक लड़की किस तरह फंसती है, और उसको फिर हमारे कारगिल के वॉर का जो जीत उपेंद्र जी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, उनसे वहां से कहानी ट्विस्ट होती है जो अभी आप मेरे ख्याल से एंड ऑफ दिसंबर में फिल्म आप लोग को मैं फिर से नोता दूंगा प्रीमियर के लिए। और एक गाना गजल स्टाइल का रखा है। डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े PVR आइनॉक्स प्लस UFO सब मेरे पहचान वाले हैं, तो मैं सर को सब जहाँ पे लेके जाएगा। प्लस ये मैसेज भी इतना अच्छा है कि डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर भी जल्दी मिल जाएंगे। प्लस मनोज भाई का बहुत एक्सपीरियंस है और फिल्म भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छा है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे ठग ऑफ हिंदुस्तान में स्टार अच्छे थे लेकिन नहीं था तो नहीं चले, लेकिन अगर कोई भी छोटी पिक्चर में अगर सब्जेक्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, उनके साथ प्यार जुड़ा हुआ लोगों का, इनकी मेहनत, इनका पसीना, जो इनका मेरे को लग रहा है जो स्टोरी का बेस, वही सबसे फिल्म हर जगह हर को टच करेगी, दिल को टच करेगी। हम तो मनोज भाई के साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, हमारे मित्र है योगेश भाई, मनीष शाह, सबके साथ जुड़े हुए हैं। मिले थे तो उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। और हमने फिर मदन भाई मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया, तो हमने एक ही मीटिंग में फाइनल कर दिया कि ये करेंगे भारत की शान है और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। मैं फिल्म की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। विदिशा एंड आई एम प्लेइंग मालती इन द फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी के द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट में यू नो आई एम वर्किंग, मैं इतने अच्छे टॉपिक पे काम कर रही हूँ एंड विथ सो गुड एक्टर्स। कैरेक्टर है, ये स्टोरीज है, मैंने सुनते ही हाँ कर दी कि वाओ बहुत ही अच्छी मूवी बनेगी। और मेरा नाम श्रुति शाह है और फिल्म में मेरा किरदार राधिका का है एंड इन सब लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। फिल्म के माध्यम से जनरली बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो सीधा रिलेट करते हैं ऑडियंस को। ये सब्जेक्ट है, उससे लड़की जब बाहर निकलती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई मर्द या कोई स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन उसे हेल्प करे, ज़रूरत है कि खुद लड़की भी इतना पावरफुल बन जाए। मेरे लिए तो इट वाज अ पिकनिक एक्चुअली, क्योंकि मैं धवन जी के साथ मैंने 2-3 फिल्में गुजरात में कर चुका हूँ, मनोज जी के साथ 7-8 फिल्में गुजराती कर चुका हूँ, तो मेरे लिए एकदम एक फैमिली एटमोसफियर जैसे ही थे। और फिर ये सब फिल्म का म्यूज़िक कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन, बहुत खूबसूरत लिरिक्स, जो मुझे लगता है कि इस फिल्म को एकदम उठा देगा म्यूज़िक। खूबसूरत सब्जेक्ट है जो लिया मनोज जी ने महिलाओं की भावनाओं पे, तो इसलिए मैं इससे जुड़ना बहुत मतलब अपनी खुशकिस्मती समझ रही हूँ। ऑफकोर्स ये गज़ल स्टाइल प्लस इसमें सबसे बड़ी बात सर ने बहुत ही सुंदर बनाया है इसे। सो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए लाइक जैसा आपने बोला, साक्षी जी ने बोला कि जो फीलिंग्स होते हैं या फिर कनेक्टिविटी होती है, सो व्हेन इट कम्स टू इमोशन, सो दूसरी चीज़ आती है अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सो एक बिंदास बिहेवियर भी होता है। पुराने मित्र है, काफ़ी गुजराती फिल्म बना चुके हैं वो, तो 20-25, और हिंदी भी अभी शुरुआत की, इससे पहले गौरक्षक बनाई थी, तो उनका जो भी सब्जेक्ट होता है बहुत खूबसूरत होता है। टाइटल ट्रैक है जो बहुत ही खूबसूरत, हमारे सर ने डी सुशांत साहब ने इसको कंपोज किया है। इस गाने का मैं आपको थोड़े से 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। प्यार है इसकी मिट्टी में, हवा में है विश्वास।